नमस्कार। प्रस्तुत है वर्ग आठ के विज्ञान के पाठ प्रकाश की एमसीक्यू प्रश्नों का संग्रह। ये प्रश्न जैक द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्र, पिछले वर्षों में जो वर्ग आठ की बोर्ड परीक्षाएं हुई हैं उनके प्रश्न पत्र और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति और वर्ग 9 के लिए होने वाली नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र से लिए गए हैं। तो प्रश्न संख्या एक है, आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है? तो यह हमारा पहला वाला ऑप्शन है ब्रेल, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर टू है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और ऑप्शन दिया गया है सदैव, कभी कभी, विशेष दशाओं में, कभी नहीं। तो हम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है। प्रश्न संख्या तीन, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है परावर्तित किरण, आपतित किरण, आपतन कोण, सभी। तो ये हमारा आंसर है आपतित किरण। तो यहां थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं इन किरणों के बारे में। तो ये समतल दर्पण है और यहां एक प्रकाश की किरण आ रही है। ये जो आ रही है प्रकाश की किरण, इसे कहते हैं हम आपतित किरण, आपतित किरण। अब यहां इसके बाद इसका परावर्तन हो जाएगा इस तरह से, इसे कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और ये है ये आपतन का या परावर्तन बिंदु कहेंगे और इस बिंदु पर एक हम लंब खींचते हैं, ये इसे बोलते हैं अभिलंब। अब देखें यहां पर एक कोण इधर बन रहा है और एक कोण इधर, ये अभिलंब के साथ। तो ये जो कोण है इसे कहते हैं आपतन का कोण, ये आपतन का कोण। और ये जो बना इसे बोलते हैं परावर्तन का कोण, परावर्तन का कोण। और परावर्तन के नियमों से हम जानते हैं कि ये जो आपतन का कोण है और ये जो परावर्तन का कोण है ये हमेशा बराबर होता है। चलिए अब इसी से संबंधित हम प्रश्न संख्या चार देखते हैं। तो यहां देखिए चित्र दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्र ए बी और सी के परावर्तक सतहों पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। देखिए एक परावर्तक सतह ए बिल्कुल प्लेन दिख रहा है, ये थोड़ा उबड़ खाबड़ जैसा दिख रहा है बी, और सी भी थोड़ा सा ऊपर नीचे इस तरह से दिख रहा है। तो बताइए किस सतह पर आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होगा? ऑप्शन ए है केवल सतह ए पर, बी है ए और बी दोनों पर, सी है केवल बी और सी पर और डी है तीनों सतहों पर। तो अभी हमने देखा था इससे पहले वाले प्रश्न में कि आपतन का कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, उसका सतह बिल्कुल चिकना हो या ऊपर खावड़ हो। तो यह हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या पांच, नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बना रहता है।
कितनी देर तक बना रहता है यह प्रश्न है। ऑप्शन नंबर वन है 1/30 सेकंड तक, ऑप्शन नंबर टू है 1/16 सेकंड तक, और ऑप्शन थ्री है 16 सेकंड तक, और चौथा है 30 सेकंड तक। तो यह हमारा ऑप्शन टू सही है, 1/16 सेकंड तक वो प्रतिबिंब बना रहता है। छठा है, इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? तो यह है वर्ण विक्षेपण। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? यह है हमारा ऑप्शन वन उत्तल। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या है? तो वो हमारा है 25 सेंटीमीटर। हमें 25 सेंटीमीटर पर रखकर ही किताबों या कोई दूसरी वस्तुओं को हमें पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं क्या कहलाती हैं, अर्थात जिनमें से प्रकाश निकलता है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रदीप्त, ऑप्शन 2 है अप्रदीप्त, ऑप्शन 3 है प्रकाशपुंज, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यह हमारा है सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 प्रदीप्त। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य का श्वेत प्रकाश यानी सफेद प्रकाश कितने रंगों का होता है, अर्थात कौन कौन से रंग मिलके, कितने रंग मिलके वह श्वेत प्रकाश बनाते हैं? तो यहां ऑप्शन नंबर 1 5, 2 में है 6, 3 में 7, और 4 में है 8। तो ये हम लोग जानते हैं कि ये 7 रंग मिलकर सफेद रंग बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है, मतलब कैसे हम वस्तुओं को देखते हैं, किसके कारण? तो यहां आंख है, प्रकाश है, दूरबीन है, सूक्ष्म जीव। तो इसमें जो सबसे मूल है वो है प्रकाश। प्रकाश होगा तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी जोड़ी हमेशा बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 1 आपतन कोण और परावर्तन कोण, दूसरा आपतित किरण और परावर्तित किरण, तीसरा आपतन बिंदु और अभिलंब, चौथा आवर्तक सतह और परावर्तक सतह। तो इससे पहले ही हमने प्रश्न संख्या 3 और 4 में देखा था कि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों हमेशा बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश पहला नंबर उससे उत्सर्जित होकर आंखों तक पहुंचता है, दूसरा उससे हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है, तीसरा उससे पूर्णतः आर पार गमन कर जाता है, चौथा उसके द्वारा पूर्णतया अवशोषित हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि वस्तुएं दो तरह की होती हैं, एक प्रदीप्त और दूसरा अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त वैसी वस्तुएं होती है जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है, और अप्रदीप्त वैसी वस्तुएं होती है जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, अर्थात नहीं निकलता है। तो उससे उत्सर्जित होकर तो ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अदीप्त से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है उससे हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है। तो ऐसी अदीप्त वस्तुएं ऐसी हैं जिनसे प्रकाश जाकर टकराता है और वहां से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आता है, तो हम उसे देख पाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, नेत्र का वह भाग जो इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है इसे कहते हैं, ऑप्शन 1 आइरिस, ऑप्शन 2 कॉर्निया, लेंस या रेटिना। तो ये आइरिस है, इसे हिंदी में हम लोग परितारिका भी कहते हैं। पीछे की तरफ देखने वाला दर्पण होता है, ऑप्शन नंबर 1
समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो पीछे की ओर देखने के लिए आप जानते हैं कि बाइक में, मोटरसाइकिल में या कार में, बस में इस तरह के शीशे लगे होते हैं, मिरर लगा होता है, तो वो होता है उत्तल दर्पण। उससे हम लोग पीछे की वस्तुओं को देख पाते हैं। इसका प्रयोग उत्तल दर्पण का इसलिए किया जाता है कि इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है और छोटा बनता है, तो इससे बहुत बड़े क्षेत्र का उसमें प्रतिबिंब बन जाता है बहुत सारी वस्तुओं का। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को कहते हैं। ऑप्शन वन परावर्तित किरण, दूसरा आपतित किरण, तीसरा आपतन कोण और चौथा इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हम पहले ही देख चुके हैं, इस तरह का प्रश्न पहले आ चुका है, वो है आपतित किरण। आंखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ऑप्शन वन अभिनेत्र लेंस, दूसरा कॉर्निया, तीसरा परितारिका, चौथा पक्षमाभिपेशी। तो ये परितारिका है ऑप्शन थ्री। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 14 में भी यह प्रश्न देखा था, तो वहां आयरिस था और यहां परितारिका, दोनों एक ही है। आयरिस इंग्लिश शब्द है और परितारिका हिंदी शब्द है। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्दों को जाने, क्योंकि परीक्षाओं में कभी इंग्लिश शब्द दे दिया जाता है, कभी हिंदी शब्द दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंद्रधनुष किस परिघटना के कारण नहीं बनता है? तो इसमें देखिए, ऑप्शन नंबर वन है अपवर्तन, टू है विक्षेपण, थ्री है प्रकीर्णन और चार है परावर्तन। तो यहां हमारा जो आंसर है होगा वो प्रकीर्णन होगा, यानी स्कैटरिंग। इसमें स्कैटरिंग वाली बात नहीं होती है, इसमें अपवर्तन भी होता है, विक्षेपण भी होता है और परावर्तन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 19, कभी कभी विशेषकर बुढ़ापे में दृष्टि शक्ति में धुंधलापन आ जाता है, इसका कारण है। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा कॉर्निया और चौथा मोतियाबिंद। तो ये हम सभी जानते हैं कि बुढ़ापे आने पर बहुत लोगों को ये आंख में धुंधलापन आ जाता है और इस बीमारी का नाम है मोतियाबिंद। क्वेश्चन नंबर 20, एक प्रतिबिंब का प्रभाव दृष्टि पटल पर 1 सेकंड के खाली स्थान के लिए स्थायी रहता है। तो यह है 1/16 भाग सेकंड का, 1 सेकंड का 1/16 भाग तक दृष्टि पटल पर वो प्रतिबिंब स्थायी रहता है। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 21, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है तो आपतन कोण क्या होगा? ऑप्शन वन 90 डिग्री, ऑप्शन टू 60 डिग्री, ऑप्शन थ्री 45 डिग्री और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हमने एक ये आरेख बनाया है, ये है समतल दर्पण और इसमें ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण। तो कहा जा रहा है कि यहां से यहां तक, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, अर्थात आपतन का कोण जोड़ परावर्तन का कोण, ये दोनों मिलाकर हो रहा है 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि आपतन का कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये जो समीकरण है आई प्लस आर इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आई प्लस कोण आर के लिए जगह फिर हम आई लिख दे रहे हैं क्योंकि बराबर है इक्वल टू 90। इसका अर्थ है कि 2 कोण आई इक्वल टू 90 डिग्री और कोण आई इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2 यानी 45 डिग्री। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है।
क्वेश्चन नंबर 22, मायोपिया का संशोधन किया जा सकता है। पहला उत्तल लेंस का प्रयोग करके, दूसरा अवतल लेंस का प्रयोग करके, और तीसरा अपारदर्शी लेंस का प्रयोग करके, चौथा माइक्रो लेंस का प्रयोग करके। तो मायोपिया का दूसरा नाम जो है वो निकट दृष्टि भी है, निकट दृष्टि। इस बीमारी में क्या होता है, जो इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उन्हें नजदीक की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं सही, यानी पढ़ने लिखने का काम वो कर लेते हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो इसमें जो लेंस का प्रयोग किया जाता है ऐसे व्यक्तियों के लिए, तो वो अवतल लेंस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 23, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण। पहला है वातावरण से सूर्य के प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, दूसरा है वातावरण से सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तीसरा है सूर्य के प्रकाश के अवशोषण के कारण, चौथा है वातावरण से सूर्य के अपवर्तन के कारण। तो यह हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन सही है, वातावरण से सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जब सूर्य के प्रकाश हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में आती है, तो जो हमारे विभिन्न गैस हैं उनके अणु बहुत सारे प्रकाश के रंगों को वो परावर्तित कर देते हैं, स्कैटरिंग कर देते हैं, यानी वो वहां से प्रकीर्णन हो जाता है। तो इसमें जो कम वेवलेंथ के प्रकाश हैं उनका ज्यादा होता है, और हम जानते हैं कि कम वेवलेंथ वाला ब्लू रंग होता है, और उसका प्रकीर्णन होने के कारण हमारा आकाश का रंग पूरा ब्लू दिखता है, नीला दिखता है। प्रश्न संख्या 24, सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है, इसका कारण है पहला अपवर्तन, दूसरा प्रकीर्णन, तीसरा परावर्तन और चौथा विवर्तन। तो हम जानते हैं कि सूर्य से जो प्रकाश निकलता है तो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, उससे हम तक प्रकाश को पहुंचने में काफी दूरी तय करना पड़ता है, और इसमें बार बार कई बार उसमें जो हवा की परतें हैं वहां से उसका जितने भी परतें हैं उससे उसका अपवर्तन होता जाता है, जिसके कारण हमारी आंखों तक उसका प्रकाश पहुंचने में कम से कम 2 मिनट सूर्योदय के समय 2 मिनट पहले पहुंच जाता है और सूर्यास्त के समय 2 मिनट बाद तक पहुंचता है। तो यही कारण है कि हमें देर तक वो दिखाई देता है। तो ये ऑप्शन हमारा 1 अपवर्तन सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रकाश वर्ष प्रदर्शित करता है, तो ये दूरी प्रदर्शित करता है, यानी प्रकाश वर्ष दूरी का, डिस्टेंस का इकाई है। आकाशीय पिंडों की दूरी काफी ज्यादा होती है, इसके लिए ये यूनिट बनाई गई है प्रकाश वर्ष, अर्थात एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है उसे, उस दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, क्यों? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के विश्लेषण के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण। तो यह ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो आशा है कि परीक्षाओं में आपको इन प्रश्नों से सहायता मिलेगी। धन्यवाद।